प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत आगे बढ़ाया है, उसके साथ हर साल 2 से 2.5 करोड़ नए व्हीकल ऑन रोड पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कई नए इनिशिएटिव लिए हैं और इस इनिशिएटिव से पोल्यूशन कम हुआ है, कंजेशन कम हुआ है और गति भी बढ़ी है। पहला रिफॉर्म है, हमने एक्सेल लोड 20 से 25% बढ़ाया है। 20 से 25% बढ़ाने से ट्रक पर जो एक्चुअल लोड वहन करते थे और उसको परमिट होती थी, उससे ज़्यादा लोड वहन करने से बहुत करप्शन होता था और उसको परेशानी भी होती थी, वो परेशानी से सॉल्यूशन हो गया है। दूसरा हमने रिफॉर्म किया है, पहले हर एक साल में ट्रक या तो कमर्शियल व्हीकल को फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ता था, अभी हमने उसको 2 साल कर दिया है। 2 साल के करने के साथ हमने जो नए व्हीकल रोड पर आते थे उसका भी फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ता था, अभी वो नहीं करवाना पड़ेगा और 2 साल के बाद ही उसका फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटिक होगा। और तीसरा हमने रिफॉर्म किया है, जब रोड पर ट्रक होते थे उसका कलर कोड डिसाइड किया गया था, एक कलर कोड डिसाइड होने से दूसरा कलर लगा नहीं सकते थे और आज हमने वो कलर कोड से फ्री कर दिया है। कोई भी ट्रक ओनर चाहे तब वो वहाँ एडवर्टाइज भी लगा सकते हैं, उस पर अर्निंग भी कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमने वो फ्री कर दिया है। नया कॉमर्शियल व्हीकल कोई प्रोक्योर करते हैं, परचेस करते हैं, खरीदते हैं, वैसी स्थिति में फास्टैग कंपनी से ही लगा हुआ आएगा और कंपनी से लगा हुआ आने से उसको केवल चार्ज ही करना होगा, उससे टोल प्लाजा पर सुविधा हो जाएगी, कंडक्टर को अपने जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी, इस दृष्टि से सुविधा हो जाएगी। लास्ट में पहले जो ट्रक में कार्गो हैंडलिंग होते थे, कार्गो मूव होते थे, वो ओपन होते थे और उससे पॉल्यूशन भी होता था और आज वो कंपलसरी कवर कर दिया है, इसलिए कोई भी ट्रक में कोई भी कार्गो जाएगा उसको कवर करके ही जाना है, इसलिए रोड पर पोल्यूशन नहीं होगा। इस दृष्टि से हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो रिफॉर्म किया है, इस रिफॉर्म से पोल्यूशन कम हुआ है, कंजेशन कम हुआ है, ट्रैफिक कम हुआ है, स्पीड बढ़ी है और भविष्य में ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हम करते रहेंगे जो देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आगे बढ़ाएगा।